गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर एक मुहिम को शुरू किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उसे महिला पुलिस की जवान राखी बांधकर नियमों के प्रति जागरूक करेगी। गुरुग्राम के स्मार्ट पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले को सबक सिखाने और उन्हें ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक प्रयास शुरू किया है। इसे रक्षाबंधन के मौके पर ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है जो अमूमन तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपने लिए खतरा बढ़ाते ही हैं, साथ ही दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे ही लोगों को मानसिक तौर पर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अब गुरुग्राम पुलिस की ओर से महिला पुलिस कर्मी ऐसे लोगों को राखी बांधेगी और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाएंगी। जिस तरह पिछली साल हम लोगों ने रक्षाबंधन को सुरक्षाबंधन की तरह बनाया था, उसी तरह इस साल भी GTB और RSO मिलकर इस रक्षाबंधन को भी सुरक्षाबंधन की तरह मना रहे हैं। इसमें हमारी रिक्वेस्ट है बहनों से, इसमें बहनें अपना एक राखी बांधती हैं भाई को और उसकी उसके बदले में भाई उनको गिफ्ट देते हैं। इस बार हमारे अपील ये है बहनों से कि वो एक तो राखी बांधें, उसके साथ उनसे एक वादा भी लें एज ए गिफ्ट कि वो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित वो इस तरह से रख सकते हैं कि अगर वो मोटरसाइकिल चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं तो उसमें वो हेलमेट पहन के चलाएँ, और बहनें भी गिफ्ट कर सकती हैं हेलमेट अपने भाई की सुरक्षा के लिए। और अगर भाई सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उनको बहनों को अपना वादा कैसे कर सकते हैं कि उनको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जब खुद कोई सुरक्षित नहीं है वो दूसरे को कैसे सुरक्षित रखेगा। गुरुग्राम पुलिस इससे पहले भी पिछले साल इस मुहिम को चला चुकी है, जिसमें इसी तरह ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को राखी बांधी गई थी। इस बार भी इस तरह गुरुग्राम के कई चौक चौराहों पर यहां लोग अधिकांश ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर नकेल कसने और उन्हें जागरूक करने के लिए इस मुहिम को रविवार तक चलाया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ट्रैफिक को लेकर कई ऐसी मुहिम चला रही है। वहीं इसका उद्देश्य यही है कि लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हों और उनका उल्लंघन ना करें। इससे लोगों को मानसिक तौर पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे पुलिस ने इन योजनाओं को तैयार किया है।